76 की तरफ से मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कराची की सूरत हाल के बारे में। जैसे कि लियारी पीपल पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर जब बड़ा ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर जो असला इस्तेमाल किया गया वो जैसे कि बताया जाता है कि ना तो रेंजर्स के पास ऐसा असला है ना पुलिस के पास है, और ये बकौल उजैर बलोच के उसने ये बात बोली थी, और क्या ये बात कहाँ तक सच है कि वहाँ पे जो असला दिया गया वो पीपल पार्टी ने उनको दिया गया, और वो जो कुछ वहाँ पे ऑपरेशन हुआ जो कुछ वहाँ पे बकौल उजैर बलोच के वो उनको पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल है, ये बात कहाँ तक सच है? देखें, कभी कोई हुकूमत भी चाहती है कि वो बेचैनी का समा हो, कभी कोई हुकूमत चाहती है कि वहाँ बदअमनी हो, कभी कोई हुकूमत भी चाहेगी कि उनके जो है असले का जो है नुमाइश हो और उनके खिलाफ ये बातें जाएं। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई भी सदाकत है ज़रा बराबर भी। हाँ, अलबत्त आप देखिएगा कि सबका अदवार में बदकिस्मती से जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने एथनिक डिवाइड्स क्रिएट की, उन्होंने सेक्टेरियन स्ट्राइप्स क्रिएट की, उन्होंने क्लाशन को कल्चर को जन्म दिया, उन्होंने हेरोइन कल्चर को जन्म दिया, और ये तमाम कबाहतें जो हैं बदकिस्मती से ये चली आ रही हैं। एंड मैंने जैसे अर्ज़ किया, वे ट्रांजिशन जो हो रही है जमहूरियत की तरफ, इंशाल्लाह जूँ जूँ जमहूरियत मजबूत होगी इसका हल ज़्यादा जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत ही से मैं समझता हूँ हम इसका कलाकामा करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे हम एक जो रवायात कायम कर रहे हैं, एक तसलसल होगा जमहूरियत का, और इस तसलसल के साथ ही पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान के मसाइल इंशाल्लाह हम हल कर पाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।